अगर आप भी ऑर्गेनिक प्याज अपने घर पे उगाना चाहते हैं तो कम से कम 8 इंच गहरा पोट लें, डायमीटर या उसके डायमेंशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। मिट्टी के लिए आप गार्डन सोयल में कॉम्पोस्ट, कोकोपीट और बोन मील मिला सकते हैं। ये मेरी पुरानी मिट्टी है, सर्दियों में इसमें पालक उग रहा था, इसका मतलब मिट्टी से काफी मात्रा में नाइट्रोजन ले लिया गया है। इस मिट्टी को नाइट्रोजन में एनरिच करने के लिए मैंने गाय की गोबर का खाद दिया है, साथ ही मैंने बोन मील और थोड़ी मात्रा मैंने राख की भी मिलाई है। प्याज को हम उसकी पौध या सैपलिंग से उगा सकते हैं या फिर बीज की भी डायरेक्ट बुवाई कर सकते हैं। इस पॉट में मैंने बीजों से भी डायरेक्ट बुवाई की है और जो पौध मेरी तैयार है, जिसको मैंने 1 महीना पहले शुरू किया था, उसको भी मैंने इसी पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिया है, जिसकी वजह से प्याज के पौधे काफी क्लटर्ड हो जाएंगे, लेकिन मैं समय समय पर प्याज के ग्रीन्स को हार्वेस्ट करती रहूंगी, इससे काफी छटाई हो जाएगी और प्याज के बल्ब्स को ग्रो करने के लिए सफिशियंट स्पेस भी मिल जाएगा। हालांकि प्याज के ग्रीन्स 1 महीने में ही तैयार हो जाएंगे, लेकिन फाइनल क्रॉप के लिए मुझे आज से 3 महीने कम से कम लगेंगे।